जो सोलर कुकटॉप लॉन्च किया गया है वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलर कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं। बेहतर और अधिक सस्टेनेबल भविष्य का मॉडल बनाया जाए। एक क्षेत्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, और काम ये कि बिजली से चलने वाला चूल्हा, जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके, पकौड़ी भी बनाने होंगे तो भी हो जाए, और चपाती बनानी हो तो भी बन जाए, मिठाई बनानी हो तो भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सपने को साकार कर दिखाया है इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र फरीदाबाद ने। 4 दशक पहले देश में नूतन स्टोव के बाद R&D सेंटर के गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है इंडियन ऑयल की एक और पेशकश, इंडोर सोलर कुकिंग प्रोडक्ट सूर्य नूतन। सूर्य नूतन थर्मल बैटरी से चलने वाली मल्टी मॉडल हीटिंग आधारित तकनीक है। कस्टमाइज्ड थर्मल बैटरी और ऑप्टिमाइज्ड इंसुलेशन के माध्यम से ये लंबे समय तक खाने पकाने के लिए जरूरी ऊष्मा को धारण करता है। उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार सूर्य नूतन जल्द ही 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगा। L मॉडल, इसका इस्तेमाल केवल सोलर टाइम के दौरान किया जा सकता है। लंच और डिनर के लिए LD मॉडल, और लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए LDB मॉडल, जो कि सूर्य के अस्त हो जाने के बाद भी खाना पकाने में सक्षम है। इस तरह सूर्य नूतन इको फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो आने वाले दिनों में कुकिंग के लिए क्लीन और ग्रीन एनर्जी के रूप में उपलब्ध होगा। तो सौर ऊर्जा से खाना पकाने में मददगार होगा और इसे चार्ज भी किया जा सकता है। इस चूल्हे को खरीदने की लागत के अलावा रख रखाव पर कोई खर्च नहीं है। इस सौर चूल्हे के लिए न तो ईंधन की जरूरत है और न ही लकड़ी की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस चूल्हे को लॉन्च किया, जिसका नाम सूर्य नूतन रखा गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस इंडोर कुकिंग सिस्टम को इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने बनाया है। इस कुकिंग सिस्टम की मदद से बिना किसी खर्च के 4 लोगों के परिवार के लिए नाश्ता, दोपहर और रात का खाना आसानी से पकाया जा सकता है। इस कुकिंग सिस्टम की कीमत भी बेहद कम है। वर्तमान में ये सूर्य नूतन चूल्हा 15,000 रुपये में उपलब्ध होगा। आगे मांग बढ़ने पर इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, जिससे इसकी कीमतों में और भी कमी आएगी और ये आम लोगों की पहुंच में आ सकेगा। पुरी ने कहा कि प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र के भी रुचि दिखाने की उम्मीद है। इस चूल्हे की लाइफ 10 साल है, यानी आपको एक बार खर्च करना है और फिर अगले 10 सालों तक फ्री में खाना पकाना है। LPG सिलेंडर प्रदान करने से आगे बढ़कर उन्हें मुफ्त सोलर चूल्हा प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके द्वारा आम नागरिकों के खर्चे में कमी आएगी। इस योजना के द्वारा भारत में पेट्रोलियम एवं LPG ईंधन के उपयोग में कमी आएगी, साथ ही सुरक्षित एवं स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार होगा। इस योजना के द्वारा आम नागरिक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त चूल्हे प्रदान किए जाएंगे। यदि आप बाहर से सौर चूल्हा खरीदते हैं तो उसकी कीमत 14,000 से 15,000 रुपये के बीच है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के साथ यह आम नागरिकों को 9,000 से 10,000 में प्रदान किया जाएगा। केवल इसको एक बार खरीदने के पश्चात आप इसका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has become an emerging land of opportunities, the third largest consumer of crude oil and petroleum products in the world. Committed to the target of renewable footprint and decarbonization by 2030, as resolved by our Prime Minister Shri Narendra Modi at COP26. Aaj Bharat installed renewable energy capacity mein vishw mein chauthe number par hai. Bite 7 varshon mein भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, और अब यह हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है।
the Government of India, under the able guidance of the Honorable Prime Minister, is scaling up avenues of utilizing renewable energy for achieving energy independence and has targeted about 450 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2030. India is today creating a wave of new possibilities of growth, collaboration and transition. Transitioning into new age biofuels, India is further securing its energy security and the government is supporting advanced biofuel projects through the Pradhan Mantri Jeevan Yojana with cumulative financial assistance of approximately 25,000 crore. Domestically produced ethanol has been identified by the country as a potential opportunity to reduce reliance on oil imports. India is all set to achieve the target of 20% blending by 2025, which was advanced from the original target of 2030. Achieving the 20% ethanol blending target will result in forex savings of more than nearly 54,000 crore per annum. The government of India is striving to increase farmers' income, and one key contributor to it is ethanol blending, which will increase the farmers' cumulative income by over 49,000 crore per annum. To further this vision, oil marketing companies are setting up 2G, 3G ethanol plants with total investment of 8,000 crore per annum. PM Shri Narendra Modi ji has called for a ban on single-use plastic. Inspired by his clarion call, Indian Oil, one of the energy majors of the country, has ventured into recycling PET bottles and converting it into yarn. More than 10 lakh uniforms of oil marketing companies will be weaved with the polyester made from the recycled yarn. And further, armed forces and other institutions for their non-combat uniforms are also adopting this raw material for their production. This green initiative, unbottled towards a greener future, will result in recycling of 10 crore PET bottles per year. एक क्षेत्र ऐसा है जो शायद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है। लोग अपने घर में सोलर एनर्जी से चूल्हा चलाएंगे, जिस पर हर प्रकार की रसोई हो सके। Following the vision of Honorable Prime Minister of providing clean cooking fuel across the nation, Indian Oil is introducing an indoor solar cooking system designed, developed and patented by Indian Oil. A stationary indoor cooking solution capable of catering to the cooking needs of Indian households. Today at India Energy Week 2023, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicates the double burner solar cooktop to the nation, launches Unbottled Towards a Greener Future initiative and flags off vehicles running on energy efficient fuel to mark the launch of ethanol E20 grade fuel, which will be available in select cities of the country. India Energy Week 2023. Growth, collaboration, transition.